गोरी रंगीली आई रंगीली गोरी रंगीली आई। देव ऋषि किन्नर गंधर्व जीव जंतु सब इस मधुर लीला को देख करके आनंद से झूम उठे। और क्यों न हो, ये परम दिव्य क्षण है। प्रभु की एक और लीला माधुरी का घर ये लीला अभी प्राप्त हुई। याद करें किशोरी जी ने चलते चलते क्या कहा था, कान्हा सावधान रहना, पग पग पर खतरा है। बस फिर क्या था, योजनाओं और षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया। फरसाने और नंदगांव की सांकरी गलियों में रोमांच बढ़ रहा था। कितनी किसकी जय किसकी पराजय, कौन जीतेगा कौन हारेगा रंगों के इस महायुद्ध में। इस होरी लीला में अनेक छद्म लीला है। छद्म माने वेश बदल करके जाना और रंग देना, ये होरी लीला में विशेष है। स्वयं श्री कृष्ण कहीं वेश बदल करके मालिन बन के जाते हैं, कहीं जोगिन बन के जाते हैं, और छद्म खुलता है। होली में छद्म छल से जीत लेते हैं। दाऊ जी को भी इन लोगों ने छल से जीता, कृष्ण को भी जीता। दाऊ का वेश बना करके किसी किसी होली में महापुरुषों ने गाया है कि दाऊ का वेश बना करके आगे जाती है, और श्री कृष्ण दाऊ समझ करके मिलने आते हैं। वो सखी होती है और कृष्ण को पकड़ लेती है। इस तरह से कृष्ण को भी छल से जीत लेती है। दाऊ जी का और सुबल का आकार मिलता था। कोई कोई सखी दाऊ बन जाती है, दाऊ बन करके कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण पहचान नहीं पाते हैं और दाऊ से मिलने जाते हैं। ये तो नकली दाऊ थे, पकड़ लेते हैं कृष्ण को और सखियां आ जाती हैं। ये छद्म लीला चलती है। अनेक प्रकार के छद्म होली लीला में गाए गए हैं। कोई कोई सखी कृष्ण बन जाती है छद्म में, और स्वयं कृष्ण भी अपने उस छद्म को पहचान नहीं पाते हैं। ये सब लीलाएं योग माया की शक्ति से होती है। कोई कोई सखी दाऊ बन जाती है, सखा सखी बन जाते हैं, सखी सखा बन जाते हैं। यहां तक कि सखियां कृष्ण को सांवरी सखी बना देती हैं। लहंगा भरिया चूनर पहना करके सोलह श्रृंगार करके यशोदा के पास ले जाती हैं और बैठाल देती हैं कि देखो ये तुम्हारे लाला की बहू है। यशोदा बड़ी खुश होती हैं कि हमारे कारे लाला की सगाई हो गई, हो जाएगी। वे उसको मुंह चूमने लग जाती हैं तब पहचान लेती हैं, छत खुल जाता है। इसी तरह से छद्म लीला का एक अंश दिखाया जा रहा है। इसमें विशाखा सखी दाऊ बनती है और छद्म दाऊ जी नहीं जान पाते और पकड़ में आ जाते हैं, इस तरह से हार हो जाती है। जय श्री राधे। ओहो आहा, आज राधा
कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिख रही है। लगता है कुछ विशेष लीला हुई है कान्हा के साथ। अरे इसके गालों पे रंग जरूर कान्हा ने ही लगाया होगा। चलो चलो पूछते हैं। अरे राधा, आज कुछ विशेष बात है, तुम इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हो? तुम्हारे मुख पर ये गुलाल का रंग कैसे? सखियो, मैं अभी कान्हा से मिल के आ रही हूँ। ये उसी की करतूत है। पता है उसने आज क्या किया? छल से रंग दिया मुझे, मेरे मुख पे गुलाल लगा दिया। सच? फिर तुमने क्या किया? मैं वहाँ से रूठ कर चली आई, वो मुझे बुलाता रहा, मैंने इसकी एक ना सुनी। राधा, तुम्हारे कहने पर मैं बंजारन का वेश बनाकर सब देख कर आई हूँ। कान्हा, बलराम भैया और उनके सखा रंगों का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। क्या कह रही हो? यही नहीं, राधा को रंगने की खुशी में नाचना और गाना हो रहा है। पर राधा, एक बात समझ में नहीं आई, श्याम ने तुझे छल से रंगा और तुमने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। अरे आज उसने तुम्हें रंग लगाया है, कल वो हम सबको रंग लगाएगा। नहीं, इतनी आसानी से कान्हा को नहीं छोड़ेंगे, हम इसका उचित बदला लेंगे। हाँ, बदला लेने के लिए तो मैं भी आतुर हूँ उस छलिया से, इसलिए चलते हुए मैंने उसे खतरे की चेतावनी दे दी थी। अच्छा? हाँ, उसे रंगों से बड़ा प्रेम हो गया है ना? ठीक है, उसके रंगों की प्रेम की ज्वाला हम सब मिलकर शांत करेंगे। पता करो इस समय वह कहाँ है। ठीक कहती हो राधा, बदला तो लेना ही है, वैसे भी उससे हमें कई पुराने हिसाब भी बराबर करने हैं। तुम तो बस बोलो तुम्हारी योजना क्या है, फिर देखो हम कैसे दबोचते हैं उसको।